श्री अमृत वेला हमें अच्छी तरह करने के लिए रात को सोने से पहले एक कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो, ये रोज एक अव्यक्त मुरलियों की किताबें मिलती है, रोज एक मुरली पढ़ के सो जाओ, सारा दिन जो गलत हुआ है वो सब मिट जाएगा, एक उमंग उत्साह में आप सो जाएंगे, अमृत वाला अच्छा हो जाएगा। कोई लक्ष्य लेकर के सो जाओ, कई क्या करेंगे अमृत वाला के समय समय कोई लक्ष्य नहीं कुछ नहीं, योग में बैठेंगे फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जो भी कोई संकल्प विकल्प है सब करेंगे। आप कोई मेहमान घर में आया, कहूंगी यहां बैठो, नहीं नहीं उठो यहां बैठो, नहीं नहीं यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, वो कहेगा कहीं भी नहीं बैठना मैं जा रहा हूं। इसी तरह हम अमृत वाला क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं क्या था शक्ति स्वरूप हूं, नहीं नहीं आनंद स्वरूप हूं, नहीं नहीं प्रेम स्वरूप हूं, नहीं दस जगह पर नहीं घूमू, एक कोई स्थिति का अनुभव करो। इसलिए रात को सोने से पहले सोचना है कि कल सवेरे मुझे क्या अनुभव करना है, कल सवेरे मुझे शांति का अनुभव करना है, और एक शांति के चेयर पर बैठो, मैं शांति धाम की निवासी हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। उस एक डीप में साइलेंस में जाओ, उसका अनुभव करो, सारा दिन आपको शांति का अनुभव रहेगा, कभी शक्ति का अनुभव करो, एक एक स्वरूप का अभ्यास करो। इसलिए अमृत वेला सफल बनानी है।